दोबारा करा है, देखो तो टाइम अच्छा जी। वर्तमान में भी है
हेलो, हम लोग संसद के बारे में कल से हम लोगों ने अध्ययन शुरू किया था। नोट कर लिया आप लोगों ने? समझाने के लिए लिखा है वैसे हटे हो गया जी। कल हम लोगों ने देखा था संसद, संसद के तीन अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति अपना एक विशेष महत्व है संसद के सत्रों को आहूत करने में, सत्रावसान करने में, विघटन करने में, विधेयकों पर हस्ताक्षर करने में, ठीक है, और विशेष जो संयुक्त मीटिंग मतलब संयुक्त बैठक बुलाने में राष्ट्रपति का अपना एक विशेष योगदान है। संसद के सदस्य के रूप में अध्यादेश जारी, संसद के अंग के रूप में अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में राष्ट्रपति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। जब हम संसद के अंग के दो अंकों की ओर जाएंगे तो हमने कल आपको बताया था जो उच्च सदन है उसको हम क्या बोलते हैं, राज्यों का सदन, स्थायी सदन, और ये अप्रत्यक्ष सदन है क्योंकि इसमें सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। सदस्यों को निश्चित कोटे में अपने मतों को प्राप्त करना होता है, निश्चित कोटे के उपरांत ही वो क्या होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं। एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी कि राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन होता है, कितने राज्य से कितने सदस्य चुने जाएंगे, ये जनसंख्या के अनुपात में होता है और इसका वर्णन हमारे संविधान की अनुसूची 4 में दिया हुआ है कि किस राज्य से कितने सदस्यों को चुन करके राज्यसभा में भेजा जाना है। यहाँ पर आपको एक चीज जो रिमाइंड करा दूं, जब हम अमेरिका के सीनेट की बात करते हैं तो अमेरिका में सीनेट में
सीनेट भी चूंकि हाउस ऑफ स्टेट है, राज्यों का सदन है, तो वहां पर चाहे वो राज्य छोटा हो या बड़ा हो, एक समान उम्मीदवारों को वहां पे सीनेट पे भेजा जाता है। हर राज्य से दो उम्मीदवार को भेजा जाता है। जबकि भारत के राज्यसभा की मैं बात करूं तो यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर राज्यसभा की ज्यादा प्रतिनिधि, और जहां पर किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो वहां से ज्यादा उस हिसाब से कम प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। और इसका निर्धारण किस राज्य से कितने प्रतिनिधि है, हमारे संविधान की जो अनुसूचियां हैं, अनुसूची 4 में राज्यसभा में भेजे जाने वाले सदस्यों का प्रावधान। ठीक, मैंने कहा राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ऐसा हमारे संविधान में कहीं भी वर्णित तो नहीं है, लेकिन संविधान की शब्दावली से हमने ये अनुमान लगाया जिसमें ये कहा गया है कि प्रति 2 वर्ष के पश्चात जो सदस्य हैं, कितने सदस्य, 1/3 मेंबर्स, 1/3 सदस्य अपने पद को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और इस हिसाब से उनको हटाया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल नियत किया गया है 6 वर्ष का। वापस हम आइए, फिर मैंने आपको बताया था कि जो संसद सदस्य है उनकी योग्यताएं क्या है, दोनों के संदर्भ में मैंने बताया कि भारत का नागरिक है, लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, ही और शी, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा का बनना चाहता है 30 वर्ष। और तीसरा जो योग्यता है कि और जो भी प्रावधान संसद अपने नियमों विधेयकों के माध्यम से क्या करे बनाए, ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 84 में वर्णित है। क्वालिफिकेशन के साथ साथ जिनमें है किसका डिस्क्वालिफिकेशन का, जिसके 4 बेसिक क्या है आधार है, अगर कोई सदस्य दल बदल करता है तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के थ्रू उसको किन्हीं प्रावधानों के तहत उसको उसकी सदस्यता से वंचित किया जाएगा संसद सदस्यता से। दूसरा मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, लाभ का पद अगर कोई ग्रहण कर लेता है और संसद सदस्य बन जाता है और वो अपने लाभ के पद को नहीं त्यागता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 102 में। तीसरी बात जो मैंने की थी क्या, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत ये बताया गया है कि अगर चुनाव में उम्मीदवार के रूप में अगर वो गलत साधनों का प्रयोग करके या जनता की भावनाओं को भड़काकर या सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके कोई या भ्रष्ट तरीके से गलत बैलेट या मत प्राप्त करके अगर कोई अपना चुनाव जीतता है तो उसके उम्मीदवार को उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। और चौथी चीज जो मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, पद रिक्ति के आधार पर अगर एक सदस्य 2 पदों पर चुना जाता है या लोकसभा या विधानसभा या लोकसभा की 2 सीटों पर वो जीत कर आता है और ये नहीं बताता है कि कौन सी सीट वो रिक्त करेगा और कौन सी सीट उसका उस पर अपना कंटिन्यू करेगा, तो इन आधारों पर भी क्या है वो इस क्वालिफिकेशन का उल्लेख। कोई भी संसद सदस्य अपना त्याग इन के अलावा, इन 4 आधारों के अलावा भी कोई भी संसद सदस्य अब स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति को क्या कर सकता है, भेज सकता है। सदस्य की मतलब उसका त्याग पत्र स्वीकार किया जाए या किस आधारों पर उसने त्याग पत्र की बात की है, ये पूरी तरीके से ऐसा निर्णय करना अध्यक्ष और सभापति के ऊपर निर्भर करता है। अध्यक्ष चाहे तो उसके त्याग पत्र को स्वीकार भी कर सकता है या उसको त्याग पत्र स्वीकार करने से मना भी कर सकता है। अगली चीज, अगर न्यायालय किसी को अपराधी घोषित कर दे या कोई भी ऐसा व्यक्ति गलत कार्य करता हुआ पाया जाता है जो संसद के विधानों के विपरीत है तो वहां पर भी सदस्य को क्या किया जा सकता है, उसको भी इस 102 के अंतर्गत उसको अपना पद त्याग करना पड़ता है। एक और चीज जो आपको समझनी है कि कोई भी संसद सदस्य अगर 60 दिन, कितने दिन, 60
संबंधित सदन के अध्यक्ष को देता नहीं है। अगर वो लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष को, अगर वो राज्यसभा का है तो सभापति को 60 दिन अगर वो गैर हाजिर रहता है। जैसे आप बोलते हैं ना, कभी भी मनाया, क्लास में आए, कभी भी मनाया, नहीं आए, बताया नहीं, एप्लीकेशन नहीं डाली, तो अगर 60 दिन तक वो सदन में उपस्थित नहीं होता है तो वहां पर उसकी सदस्यता क्या की जाती है, समाप्त की जाती है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि जो 17 साल काल है उस अवधि को और स्थगित, जो स्थगित होती है उसमें 4 लगातार, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, चौथे दिन, इस 4 लगातार स्थगनों को और 17 साल काल के अवधि को इन 60 दिनों में जारी किया जाएगा, गिना नहीं जाएगा। मोटा मोटा समझिए आप लोग, कोई भी संसद सदस्य बिना बताए अगर लगातार, किसको बताएगा, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उसके नीचे वाले को, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अगली चीज की ओर हम लोग रुख कर रहे हैं, वो संसद के दोनों अंगों की क्या है, संरचना या सदस्य संख्या की ओर। मोटे तौर पर हमको पता है हमारे संविधान में जो सदस्य संख्या है संसद की, वो समय समय पर क्या है, घटती बढ़ती रहती है। वर्तमान में जो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है वो कितनी है, 250, ठीक है, जिसमें से राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं बच्चों, वो दो तरीके से चुने जाते हैं। पहला, निर्वाचित होते हैं, और ये निर्वाचन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। कौन चुनता है, राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो इनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है। तो ये 250 में से 238 सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है, और ये 12 सदस्य 4 प्रमुख क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। अगर कोई भी व्यक्ति जिसने कला के क्षेत्र में, जिसने विज्ञान के क्षेत्र में, जिसने लिटरेचर के क्षेत्र में, जिसने सोशल अपना जो योगदान है, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कोई विशेष योगदान है, या कोई उस क्षेत्र में दक्ष व्यक्ति, पारंगत व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, उसको अगर सरकार के द्वारा ये माना जाता है कि उसको एज अ मनोनीत किया जाए, तो मंत्रिपरिषद इनके नाम की सिफारिश करती है और राष्ट्रपति इनको क्या करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है। एक जो प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर, दारा सिंह, मैरी कॉम, ये राज्यसभा में क्या है, मनोनीत है, तो ये तो 4 जो क्षेत्र मैंने आपको क्या बताया है, इसमें बताया है कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, ये लोग किस क्षेत्र में है, ये तो खेल में है, ये तो खेल में, तो हम इनको कैसे माना जाए। तो यहाँ पर एक याचिका दायर की गई, जब सचिन तेंदुलकर क्या थे, राज्यसभा में चुने गए थे, ये कुछ लोगों ने तर्क किया कि खेलना भी एक कला है, इस आधार पर हम इनके मतलब खेल तो की खेल की दुनिया में भी तो ये क्या है, अपनी एक विद्वता रखते हैं। जिस आधार सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये किसी न किसी क्षेत्र में क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, और ये भी खेल में और गेम में अपने क्या है, पारंगत है, ठीक। तो ये कहना कि खेल भी एक कला है या पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है वो ये है, खेल का भी एक प्रकार की विद्वता है, कोई व्यक्ति खेल में दक्ष है, उस आधार पर भी उसको मनोनयन किया जा सकता है राज्यसभा में 12 में, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये जो 4 क्षेत्र मैंने बताए हैं इसमें कोई आधार है कि 3 सदस्य कला के, 3 सदस्य साहित्य के, 3 सदस्य विज्ञान के, ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी कहीं पर भी कोई चित्र नहीं है। हो सकता है 12 के 12 सदस्य कला से हो, 12 के 12 सदस्य विज्ञान से हो, 12 के, तो ऐसा कोई विभाजन
नहीं। ठीक, तो कुल सदस्य संख्या में निर्वाचित कितने हुए? 238। 238 में उनको दो भागों में बांटा गया है, राज्यों से कितने सदस्य? 230 सदस्य, और यूटी। कौन सी यूटी? वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर क्या है? विधान मंडल है। ठीक है, तो वहां से कितने हैं? दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, वहां से टोटल कितने यूटी से सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है? 8 सदस्यों को। और ये 8 सदस्यों का विभाजन कैसे होगा? दिल्ली से, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपनी एक विधानसभा है, वहां से 3 सदस्यों को, पांडिचेरी, पांडिचेरी से 1 सदस्य को, और नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कितने? 4 सदस्यों को। ये तो होना चाहिए, लेकिन है कितने बच्चों? टोटल है 245, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत हैं, और केंद्र शासित सत्ता प्रदेशों से भी, यूटी से भी, ये 8 के 8 सदस्य क्या है? राज्यसभा में भेजे। लेकिन निर्वाचित राज्यों से 238 में से कितने एक्चुअल में वर्तमान में है? 225 सदस्य। कितने सदस्य? 225 सदस्य। तो इसका मतलब बाकी कहाँ गए? क्यों नहीं है ये पद रिक्त? क्यों है? ये वो एरिया है जैसे अक्साई चीन का क्षेत्र, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाक ने अपना क्षेत्र घोषित कर दिया है, तो वहां पर चूंकि अभी भी विवादित क्षेत्र है, वहां पर सीटें तो निर्धारित है। यह है कि कभी ये भारत के क्षेत्र में आएगी तो इनके यहाँ पर क्या होगा? इन वहां के लोगों को राज्यसभा में क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। वही चीज यहाँ पर है और वही चीज लोकसभा के संदर्भ में है। तो वर्तमान में कितने हैं? 245, जिसमें 12 मनोनीत हैं और बाकी के कितने? कितने? 33। दोनों मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से मिलाकर क्या है? निर्वाचित है। इधर आइए, लोकसभा 552, 552 टोटल कुल सदस्य संख्या है, जिसमें से निर्वाचित और मनोनयन, जो हमारे संविधान में उल्लिखित था कि कुल सदस्य संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, एक निर्वाचित सदस्य जिनको जनता चुनेगी, किस आधार पर? बहुमत के आधार पर। इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से होगा और इनकी पद्धति को हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अभी हम इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। निर्वाचित सदस्यों में से राज्यों से 530 सदस्यों को चुना जाना है और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं, इनमें से 20 सदस्यों का क्या होना है? निर्वाचन होना है। टोटल कितने सदस्य? 552। वर्तमान में कितने हैं? 543, 543, जिसमें से निर्वाचित और मनोनयन। आपको यहाँ पर मैं बता दूं, निर्वाचित मतलब इसको जनता सीधे क्या करेगी? चुनेगी। और मनोनीत, अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि संसद में किसी एंग्लो इंडियन सदस्य का क्या नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, तो दो व्यक्तियों को वो क्या करेगा? मनोनीत करेगा। क्लास में आपने पूछा, मैडम ने मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य कौन है? इसका वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 366 में है, जिसमें ये कहा गया है कौन है एंग्लो इंडियन। वह व्यक्ति जिसके पिता या जिसके दादा में से कोई एक ब्रिटिश हो और उसकी माता कंपल्सरी क्या हो? भारतीय हो। उससे जो उत्पन्न संतान होगी वो क्या होगा? एंग्लो इंडियन। ठीक है, फादर या ग्रैंडफादर, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए? ब्रिटिशर्स होना चाहिए और उसकी जो माता है इंडियन। अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि एंग्लो इंडियन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो लोकसभा में दो सदस्यों को मनोनीत क्या कर सकता है? कर सकता है। ऐसा कुल सदस्य संख्या के संदर्भ में प्रावधान है, जिसको कि आप जानते हैं कौन सा संविधान संशोधन? 104।
104 संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये दो सदस्य यहाँ से समाप्त हुए, निर्वाचित में 530 में सब कितने सदस्य वर्तमान में चुने गए हैं 534। आप कहोगे मैडम बाकी के कहाँ गए, फिर वही बात, कौन सा अक्साई जो विवादित क्षेत्र है, चाहे वो चाइना के अंतर्गत हो चाहे वो पाकिस्तान के अंतर्गत हो, वहां पर सीटों का निर्धारण तो कर लिया गया है, लेकिन चूंकि ये क्षेत्र विवादित है इसीलिए वहां पर किसी सदस्य को चुना नहीं गया है। इनकी सीटें क्या है, खाली। तो वर्तमान में कितने हैं, 530 में से 524। यूटी से चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या यूनियन टेरिटरी से 20 सदस्य, वर्तमान में यूपी से 19 सदस्यों को चुना गया है, एक इसमें नहीं चुना गया है, जिसमें से दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1 और बाकी जो यूनियन टेरिटरी के हैं उनमें से एक एक करके अन्यों से टोटल 6 सदस्यों को यूपी से लोकसभा में निर्वाचित करने का प्रावधान है। ऐसा हमारे संविधान में संसद सदस्यों की लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के संबंध, यहाँ तक ठीक, आगे बढ़े। दिया तो ये माना तो क्या है, लेकिन अगर खेल शब्दावली का कोई जिक्र नहीं है तो उसको आप सही नहीं करेंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसा आगे चुका है, इसका निर्धारण 1971 की जनसंख्या के अनुसार होगा और 1971 की जनसंख्या के अनुसार 71 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है जिसको कि बार बार एक्सटेंड किया गया है, वर्तमान में क्या है 2026 तक उसी को आधार बनाया है। ठीक है, क्या हो गया कंफ्यूजन, मुझे तो यही पता है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं अपना रिचेक करूंगी, नहीं तो एक बार आप रिचेक करिएगा। चलिए, ऐसा क्यों किया गया है, आप देखते हैं वर्तमान में तो कुछ बड़े राज्य हैं लेकिन वहां पर सीटें आप जानते भी हैं, इसमें कारण क्या है, कुछ राज्यों ने प्लानिंग की है, मतलब जनसंख्या की कम बढ़ोतरी हो इसके लिए उन्होंने प्लानिंग की है, और कुछ राज्य हमारे यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या हो तो वो राज्यों का ये था कि हमने तो आप नीति अपनाई है जनसंख्या नियंत्रण की और आप हम अगर जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारे यहाँ सीटें कम हो जाएंगी, तो इसको इस बेस पर एक निर्धारित अवधि 1971 माना गया और ये कहा गया कि इतने तक हम इसको लागू करेंगे, भले ही किसी राज्य की चूंकि समय कौन सी जनगणना हो रही है। नहीं देखो बच्चे 1971 है तो, लेकिन फिर इसको बढ़ाया गया 1900 जो मुझे पता है 1991 और फिर 1991 में संशोधन करके इसको 2026 तक बढ़ाया गया, आधार वही 1971 है, इसको फिर से एक बार रिचेक करना क्योंकि मुझे ये पता है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, मैंने कहा जल्दी करो, ये टॉपिक ही कई घंटों के हैं जिसमें कहा गया है दो लेक्चर में सबमिट कीजिए। पदाधिकारी जल्दी से इसको करने का बच्चों, साथ साथ राज्यसभा सभापति उपसभापति और
राज्यसभा महासचिव लोकसभा प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष उपाध्यक्ष और लोकसभा महासचिव। एक बार तुम भी चेक करना, मैं भी चेक करूंगी और फिर हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए वापस आते हैं, पदाधिकारियों की बात हम लोग करते हैं। वो ऐसे अधिकारी जो दोनों ही सदनों में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो वो कौन है? सबसे सर्वोच्च सभापति, जो कि होता है कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य ही नहीं होता है? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य ही नहीं होता है? तो आपका क्या आएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं एक्चुअली में वो किस रूप में मिलते हैं? सभापति के रूप में मिलते हैं। ठीक है, सभा सदन की बैठक कार्यवाही की जो भी कंक्लूजन है उसको तो बाद में करने करेंगे। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा ध्यान वहीं पर है, तो अभी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। सदन की कार्यवाही का संचालन करना, अध्यक्षता करना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, ठीक है, ये सारी चीजें, और सदन को क्या करना, क्या उसको स्थगित करना, ये चीजें हैं उपसभापति की। उपसभापति सभापति उपस्थित नहीं है तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपसभापति। सभापति को अगर मतलब त्यागपत्र देना होता है सभापति के रूप में, सभा ध्यान देना बच्चों, सभापति के रूप में वो त्यागपत्र नहीं देगा। वो किस रूप में त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति के रूप में। और किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, यहाँ आओ, उससे छोटा ये अनुपस्थित है तो सदन की कार्यवाहियों का संचालन कौन करेगा? उपसभापति, जिसका चुनाव कैसे होगा? सदन में से ही होगा, जिसको की सदस्य चाहते हैं। ठीक है, वो इसकी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाहियों का संचालन करेगा, सदस्यों को बोलने की अनुमति देगा, सदस्यों के विशेषाधिकारों का क्या करेगा? सदन की गरिमा को कार्य संचालन को बनाए रखेगा और सदन की कार्यवाही को स्थगित करेगा। उपसभापति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको देगा? सभापति को। ठीक है, ऐसा वर्णन हमारे संविधान में। अगला है, एक अलग पद है, वो क्या है? राज्यसभा महासचिव का। क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा की अपना अलग अलग क्या होता है? सचिवालय होता है। ठीक है, जो कार्यों का संचालन करते हैं इसके प्रमुख पदाधिकारियों का मतलब कौन होगा, इसका हेड कौन होगा, इसका सदस्यों में से ही तय होता है। एक प्रमुख पदाधिकारी को उस सचिवालय का क्या बनाया जाता है? महासचिव बनाया जाता है। मतलब सचिवालय महासचिव बोल सकते हैं या राज्यसभा महासचिव, इसका जो दर्जा है बच्चों मुख्य सचिव के बराबर होता है। जो मतलब हमारे यहाँ IAS की जो सर्वोच्च श्रेणी होती है इसके बराबर इसका होता है। वो कार्य संचालन नियमों प्रक्रियाओं की मतलब पूरी रूपरेखा तैयार करना और मतलब समस्त कार्य देखना इसका कार्य है राज्यसभा महासचिव का, जो कि 60 जो है ये तब तक कार्य करता है अपनी एज जब तक ये 60 वर्ष का होता है। यहाँ पर एक और विशेष बात ये है, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बात छोटी सी है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तो सभापति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। और उपसभापति चूंकि किसका सदस्य है? राज्यसभा का सदस्य है। और राज्यसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है?
संयुक्त बैठक मतलब किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर कोई निर्णय न लिए जाने का, मतलब बाकी बच्चे सभी फाइनल मैच देख रहे हैं क्या? आप लोग अभी मोबाइल ऑन ऑन तो नहीं है क्या? क्या इसको हुआ? वापस आइए। चलिए दोनों विशेष रूप से उसका क्या है अलग है सभापति से, क्या बहुत पावरफुल है, दो विशेष उसको शक्तियां विशेष स्थिति प्राप्त है, धन विधेयक का निर्धारण करने का अधिकार उसको है, लोकसभा अध्यक्ष को है, 118 के तहत ज्वाइंट सिटिंग जो होती है किसी भी मामले पर, 118 ये कहता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और अगला सेट वही है जैसे राज्यसभा का अपना एक सचिवालय होता है, वैसे ही लोकसभा का अपना सचिवालय होता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा सचिवालय का महासचिव करता है। ये संसद की क्या है प्रमुख पदाधिकारी, लोकसभा का भी मैंने बताया और राज्यसभा का भी बताया। अगला यहाँ तक आए। अच्छा एक और चीज आपको पता है, अभी हम लोकसभा की ओर मूव कर रहे हैं, लोकसभा का कार्यकाल एक अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व ही लोकसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। कैसे हो सकती है? मंत्री परिषद की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति। मेरा सवाल ये है लोकसभा भंग हो जाने पर भी क्या लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है? नहीं होगा, नहीं लोकसभा बनने तक वही रहेगा। अगर हम लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक होता है। और मैंने कल आपको बताया था भारत में क्या थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे, जिनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया और जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हुई, ठीक है। चल हाउस ऑफ पीपल जिसको 1954 में 23 अगस्त 1954 में क्या कर दिया गया, लोकसभा कर दिया गया। प्रथम सदन, निम्न सदन, आम सदन, भावनाओं का सदन, अस्थायी सदन, ठीक है, जिसके सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कितने के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। इसके पूर्व भी विश्वास मत होने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर कार्यकाल से पूर्व इसको भंग भी किया जा सकता है। मैंने कल आपको बताया था जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ये जनता का सदन है तो ये कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष तरीके से। कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष तरीके से। और जिस विधि से चुने जाते हैं इसको हम बोलते हैं सामान्य बहुमत या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम या हिंदी में हम बोलते हैं अग्रता ही विजेता। कल मैंने आपको बताया एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति प्रेफरेंस के हिसाब से किए जाते हैं। आपको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो आपके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं उस उम्मीदवार के पास जिसको ज्यादा वोट प्राप्त हो। इसमें आपको जनता को प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं एक वोट देने का क्या होता है अधिकार होता है। जिस भी उम्मीदवार को अपने साथी उम्मीदवार
उम्मीदवारों से ज्यादा वोट प्राप्त होते हैं वो उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र से क्या घोषित हो जाता है, विजेता। सामान्य बहुमत का सिद्धांत ये लागू होता है। इसको जो आगे रहता है रेस में वही क्या है जीतता है। इस प्रणाली को हम इस नाम से जानते हैं वो क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कुछ चीजें हैं बच्चों, आगे बढ़ू जब मैं शक्ति और कुछ और चीज छूट रही है। सत्र, कितने सत्र होते हैं? तीन होते हैं। पीएम टू बजट पहली चीज। दूसरी चीज जो शब्दावली है इस भगत सत्रावसान और विघटन, इसको समझते हैं। एक दिन की कार्यवाही, दिन प्रतिदिन की कार्यवाही को किसी विशेष कारण से, शोर शराबे से, गतिरोध से कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए रोकना। किसके द्वारा रोकना? लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा रोकना, या जो भी उस दिन की क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, इसको हम बोलेंगे स्थगन। ठीक है, कार्यवाही को बीच में रोकना कहलाता है क्या? आपको पता है, आपको मतलब पता होने वाला है कि सत्र तीन होते हैं बेसिकली। नंबर वन बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र या किसी को ग्रीष्मकालीन सत्र बोलते हैं, और तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से लेकर के मई तक, जुलाई से सितंबर तक, और एंड ऑफ नवंबर टू दिसंबर। सत्र सेशन क्या है शब्दावली हमारे संविधान में? अधिवेशन, संसद के अधिवेशन। वर्ष में जो संचालित होंगे उनमें कितने की, अधिकतम 6 माह का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए या अंतराल होना चाहिए। ऐसी शब्दावली जब भी गैप का आनंद लो, ऐसी शब्दावली हमारे संविधान में है। मतलब दो सत्रों के बीच में 6 माह होना चाहिए, 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इसको हमारे पास मतलब वर्तमान में जो संसद के सत्र हैं इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। शुरुआत का या इसको हम बोलते हैं प्रथम सत्र। प्रथम सत्र को अनिवार्यतः कौन संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति। कल बोला था मैंने ना, लोकसभा के प्रथम बैठक के प्रथम सत्र को मतलब ज्वाइंट सिटिंग को, और वर्ष के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करेगा? राष्ट्रपति। अगर कोई ये पूछे आपसे संसद के समस्त सत्रों में सर्वाधिक लंबा सत्र और सर्वाधिक छोटा सत्र कौन सा है, तो लंबा कौन सा हुआ? बजट सत्र। और सबसे छोटा कौन सा हुआ? शीतकालीन सत्र। आपका आंसर ये हो। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है? बजट सत्र, इसमें हमारी बजट जो सरकार की रूपरेखा होती है अपने खर्चों के लिए वो रखता है, और बाकी अनुदान की मांगे सारी चीजें रखी जाती हैं। बजट सत्र जब चलता है बच्चों को 3 से 4 सप्ताह का बीच में क्या होता है? ब्रेक होता है। क्या होता है? ब्रेक होता है। और फिर उस 3 से 4 सप्ताह के मतलब कुछ दिनों के ब्रेक के बाद फिर से बजट सत्र को क्या किया जाता है?
कंटिन्यू किया है, ठीक है। इस ब्रेक के आधार पर हम ये कहते हैं कि भारत में संसद के कितने सत्र हुए, 4 सत्र। मोटे तौर पर वो 3 है, अगर हम ब्रेक को जोड़ते तो ब्रेक से पहले का, ब्रेक के बाद का, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक, यहां तक समझ में आया? वापस आ, पर डे की कार्यवाही में अगर लोकसभा अध्यक्ष रोक लगाता है तो हम इसको कहते हैं एक सेशन खत्म हुआ, दूसरा सेशन, मतलब इसको एक सत्र जब खत्म होता है तो उसकी समाप्ति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ये बात ध्यान रखना, स्थगन करता है अध्यक्ष या सभापति और सत्रावसान और विघटन करता है राष्ट्रपति। ठीक है, एक सत्र समाप्त होती है तो इसकी घोषणा, दो सत्रों के बीच के ब्रेक को हम जिस नाम से जानते हैं वो प्रोलोगेशन या सत्रावसान होता है, ठीक है। और लोकसभा, आपको पता है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वो कभी समाप्त नहीं होती, सदस्य अपना पद त्याग करते हैं। 5 वर्ष के पूर्ण जब सरकार अपना विश्वास में नहीं रहती है या 5 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा ने पूरा कर लिया है, तब राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को क्या कर दिया जाता है? डिसॉल्व, विघटित। हम सामान्य से शब्दों में इसको समझते हैं समाप्त करना, और संसदीय भाषा में इसको हम कहते हैं विघटन। और ये कौन करता है? ठीक है, तो ये चीज है स्थगन, सत्रावसान और विघटन। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, मैंने कहा 3 सत्र हैं। देखो, मई का लास्ट दिन का सेशन हो गया, अब क्लास नहीं चलने वाली है, तो आखिरी क्लास में राष्ट्रपति ये कहेगा क्या, अब से 2 महीने मई जून और जुलाई जब से होगा हम ब्रेक कर रहे हैं, छुट्टियां हो रही हैं, क्लास नहीं चलेगी, किसी भी मैडम की क्लास नहीं चलेगी, वो घोषणा कहलाती है सत्र का अवसान। अवसान मतलब खत्म होना और सत्र मतलब सेशन। सेशन खत्म हो रहा है, अब कुछ दिनों बाद फिर से क्लास चलेगी, दैट इज नया सेशन। ठीक है, आगे बढ़े। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सभापति या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति। अच्छा, एक और चीज छूट रहा था तो मैं बताइए आपको पता है राज्यसभा के सर्वोच्च पदाधिकारी को सभापति कहते हैं, वो एब्सेंट हो तो कौन नाम करता है? सभापति। उप सभापति भी एब्सेंट हो तब क्या होगा? वरिष्ठतम जो होता है उसमें से देख लेता है राष्ट्रपति। 6 सदस्यीय एक समिति बनती है राज्यसभा में, कितने सदस्यीय? 6। इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर पहला नहीं है तो दूसरा, दूसरा नहीं है तो तीसरा। पहली चीज लोकसभा में आई, अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं है तो 10 सदस्य की एक समिति बनी।
राज्यसभा में 6 सदस्य, लोकसभा में 10 सदस्य, ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से। दूसरा, अगर लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं चुना गया, उपाध्यक्ष भी नहीं चुना गया, तब ये समिति का गठन नहीं होगा। अगर सदन में सभापति भी नहीं है, उपसभापति भी नहीं है, तो ये समिति गठित नहीं की जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है संसदीय प्रक्रिया के अनुसार में, उसको हम देखेंगे। अब हम आते हैं संसद के दोनों सदनों के अधिकार और शक्तियों पर। अच्छा, और चीज शपथ, भाषा, गणमूर्ति, ये चुनिए। शपथ, भाषा, आर्टिकल 99, भाषा, आई थिंक भाषा कौन सा आर्टिकल है, 100, कोरम, गणमूर्ति, आर्टिकल उसमें अभी थोड़ी देर में याद आएगा, ठीक है। शपथ, संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दूसरा पदाधिकारी? सौ है, तो फिर भाषा कौन सा है? कुछ इसमें कंफ्यूजन है। हाँ, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं है तो उसके किसके द्वारा, उसके द्वारा नियुक्त किसी भी पदाधिकारी को। अब प्रश्न उठता है, सदस्यों क्या शपथ का वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 99 में है, और कहाँ पर है? तीसरी अनुसूची, पहली चीज। और ये जो उम्मीदवार हैं, अगर ये संसद के सदस्य बनते हैं और फिर इनको मंत्री बनाया जाता है, तो ये 3 बार शपथ लेते हैं। ध्यान रखना, आप पहली शपथ तो तब लोगे जब आप उम्मीदवार बनोगे, चुनाव में खड़े होने के, तो पहली शपथ। दूसरी शपथ कब लोगे आप? जब आप संसद में पहुंचोगे एज अ पार्लियामेंट मेंबर के रूप में। कौन सी शपथ लोगे? दूसरी शपथ। और तीसरी शपथ कब लोगे? जब आपको मंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। तो मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद, करने से पूर्व आप तीसरी शपथ लेते हैं। तो एक संसद का सदस्य अगर मंत्री पद ग्रहण करने तक वो 3 बार शपथ को क्या करता है, लेता है। ऐसा वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 99 और अनुसूची 3 के आया। भाषा आर्टिकल 120 है, 120 में ये है, और 121 में संसद के सदस्यों का न्यायपालिका, और 122 में न्यायपालिका का संसद के सदस्य। चलिए, किस भाषा का काम, किस भाषा में कामकाज होगा संसद के सदस्यों का, प्रश्न। हिंदी में, दूसरा अंग्रेजी में, तीसरा, मैं 5 ऑप्शन दूंगी वैसे, तीसरा 8वीं अनुसूची की किसी भाषा में, चौथा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, हिंदी अंग्रेजी दोनों, और अगर लोग वैसे जाए तो कोई अन्य भाषा में भी कर सकते हैं। बोलो, 120 सिर्फ कहता है संसद की कार्यवाहियों का संचालन हिंदी और इंग्लिश में होगा। कौन सा आर्टिकल? 120। परंतु अगर अध्यक्ष
या सभापति चाहे, किसी को हिंदी अंग्रेजी नहीं आती भैया, तब क्या होगा? बैठा रहेगा। मातृभाषा, जो भी उस सदस्य की मातृभाषा है उस पर वो अपना वक्तव्य भाषण दे सकता है, लेकिन उसको परमिशन किसकी लेनी होगी? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भी उस दिन की कार्यवाही का क्या कर रहा हो, संचालन। पहले वापस आते हैं, कौन सी? गणपूर्ति। इसका मतलब क्या होता है? न्यूनतम सदस्य संख्या। आप लोग 400 एनरोल्ड हो और 10 भी आते हो तो क्लास चल जाती है, मतलब कोरम पूरा नहीं है फिर भी क्लास चल रही है, ठीक है? तो कितने न्यूनतम सदस्य होने चाहिए? 1/10। तो राज्यसभा के कितने हैं और लोकसभा के कितने हैं? आई थिंक ये निकालो, यही होगा। प्रश्न जो पूछे जाते हैं संसद में उसके कितने प्रकार होते हैं? प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं? क्या हुआ? हार गई? सच में हार गई? चलो अच्छा, पाकिस्तान से बच गई। अरे अब क्या पूरा प्रश्न वापस आई? चार प्रकार के प्रश्न होते हैं, स्टार्ट क्वेश्चंस, नॉन स्टार्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। वह प्रश्न जिसमें तारा लगा होता है उसको हम बोलते हैं तारांकित प्रश्न, ठीक है? वह प्रश्न जिसमें तारा नहीं लगा होता है इनको हम बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। वह प्रश्न जिनको हम शॉर्ट नोटिस देकर, कितने दिन की पूर्व सूचना, 10 दिन की पूर्व सूचना देकर, लोक महत्व के वह प्रश्न जिनको 10 दिन की पूर्व सूचना देकर हम इनको पूछते हैं, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट नोटिस या अल्प सूचना प्रश्न, क्योंकि ये बहुत ही क्या होते हैं, लोक महत्व ज्वलंत विषय के होते हैं, तो इनको हम शॉर्ट नोटिस के आधार पर पूछते हैं। वह प्रश्न
जिसमें उत्तर के उपरांत भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं पूरक प्रश्न। वापस आइए, तारांकित प्रश्न आप जानते हैं वह प्रश्न होते हैं जो कि कुछ पूर्व 15 दिन की पूर्व सूचना पर जिस भी संबंधित मंत्री से संसद सदस्य पूछा जाना है उसका सदस्य मंत्री के द्वारा कैसा उत्तर दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। कैसा उत्तर, मौखिक उत्तर दिया जाता है। और इन तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से संबंधित मंत्री के द्वारा दिया जाता है और इन प्रश्नों पर हम क्रॉस क्वेश्चन या पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं कि नहीं सकते, पूछ सकते हैं। एक दिन में अधिकतम बच्चों इनकी संख्या कितनी है, 20। पूरक प्रश्न किसी भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा जब आंसर दिया जाता है तो उसके बाद हम वापस उससे क्वेश्चन, अब वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको हम पूछते हैं। एक्चुअली में कुछ किताबों में पूरक प्रश्न दिया है और कुछ किताबों में गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, लेकिन चौथी जो कुछ किताबों में श्रेणियां हैं वो पूरक प्रश्न की है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य में जो भी कुछ आंसर दिया जाता है उस पर आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या चलो मौखिक प्रश्न, अरे मौखिक उत्तर, और इसपे हम दोबारा से प्रश्न पूछ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं तारांकित प्रश्न, क्योंकि क्या लगा है, तारा, और जिसमें तारा नहीं लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, अतारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों का जवाब हमको मौखिक नहीं लिखित रूप में देना है, जिसमें हम क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। इनकी संख्या होती है बच्चों एक दिन में 230 और बाकी ये दोनों तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन, नॉन स्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और सप्लीमेंट। एक और इसमें मैंने अभी बताया ना कि इसमें उत्तर मौखिक रूप में दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ किताबों में दिया है कि ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य, ये मंत्री द्वारा पूछा जाएगा और ये सरकारी से भी पूछ सकते हैं, गैर सरकारी से भी, लिखित भी हो सकता है और मौखिक। अगला सेशन, अरे काल, कितने एक दिन में क्या होते हैं, पीरियड्स का डिवाइडेशन है, विभाजन है, इसको हम देखते हैं। एक दिन में सदन की कार्यवाही 11 बजे से 12 बजे तक जो संचालित होती है बच्चों, इसको हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या होता है, प्रश्न। 12 बजे से लेकर के 1 बजे के कार्य को हम क्या बोलते हैं, जीरो आवर या शून्य। और इसके बाद जो भी लंच ब्रेक होता है, चाहे वो 1 बजे से हो चाहे 2 बजे से स्टार्ट हो, 2 बजे से आई थिंक 5 बजे को, एक बार इसको कंफर्म कर लेना, कंफर्म कर लेना, एक सदन में 2 से 5 है और एक सदन में 2 से 6 है, और राज्यसभा में शायद 2 से 6 है और लोकसभा में 2 से 5 है। विधायी निर्माण से संबंधित कार्य, विधायी का ठीक है,
मतलब ये क्या हो, प्रश्नकाल, प्रश्नकाल कौन है, मैंने अभी बताया। शून्यकाल क्या होता है, जीरो आवर वह घंटा होता है जिसमें लोक महत्व के विषय पर बिना किसी पूर्व सूचना के जो ज्वलंत मुद्दा है उस विषय पर संबंधित मंत्री से या सरकार से, जब संसद सदस्यों के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के जो प्रश्न पूछा जाता है उसको हम जिस आवर में रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सुनने का। ठीक है, प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी पूर्व सूचना अध्यक्ष को उपलब्ध करवाई जाती है, सदन के अध्यक्ष को या जो भी उसका प्रोसीडिंग कर रहा है, या उसके द्वारा संबंधित मंत्री के टेबल पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसको हमने विभाजित किया क्वेश्चन आवर, जीरो आवर एंड लेजिस्लेटिव मतलब विधायी कार्यों से, कानून निर्माण से संबंधित। और नीचे हम लोग देखेंगे विशेष शक्तियां, विशेष शक्तियों में कुछ लोकसभा की विशेष शक्तियां हैं और कुछ राज्यसभा की। विधायी शक्तियां या विधायी कार्य कानून निर्माण से संबंधित, जो संसद का क्या है, मुख्य कार्य। आपको पता है बच्चों कानून विधायक बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, तीन, सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। एक विधेयक जब कोई भी प्रस्ताव किसी भी विषय पर लाया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। एक सदन में प्रस्तुत होता है, ठीक है, उस सदन में सदस्यों में विचार विमर्श होता है, समिति उसकी जांच पड़ताल करती है, फिर वाद विवाद होता है, फिर मतदान होता है। उस सदन में पारित करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया जाता है, दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी इसको वही प्रक्रिया है, वाद विवाद होता है, प्रस्तुत होता है, मतदान होता है, और जब वहाँ पर इसको मतदान के बाद वहाँ पारित हो जाता है तो वो कहाँ भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर लेता है तो ये बिल क्या बन जाता है, अधिनियम या कानून बन जाता है। इस दृष्टि से जो विधेयक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। सामान्य विधियों से संबंधित मामले सामान्य, वित्त के लेन देन धन से संबंधित मामले वित्त विधेयक, और संविधान में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है संविधान संशोधन विधेयक। वित्त विधेयक को छोड़कर
वित्त विधेयक को छोड़कर सामान्य विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। समझ में आया? सिर्फ वित्त विधेयक ही सबसे पहले कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा में। लेकिन अगर सामान्य विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, वो पहले लोकसभा में भी जा सकता है और राज्यसभा में भी जा सकता है। यहाँ पर मैं जो शक्तियां बताने का प्रयास कर रही हूँ सम्मिलित रूप से, और जो विशेष होगी लोकसभा की अलग राज्यसभा की अलग, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। ठीक है, वापस विधायी शक्ति। अगर लोकसभा ने किसी भी विधेयक को पारित कर दिया, दूसरे सदन में भेजा, दूसरा सदन उसको सहमत भी हो सकता है, मना भी कर सकता है, संशोधन भी कर सकता है और वापस पहले सदन को लौटा सकता है। पहला सदन मतलब जो हुआ लोकसभा, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करता है, जैसा कि किसने बताया, राज्यसभा ने बताया है, और ऐसा करते हुए कितने दिन बीत जाते हैं? 6 महीने बीत जाते हैं। तो उस सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या बुलाई जाती है? अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक में एक सदन मतलब एक कमरे में दोनों ही सदस्य उपस्थित होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा। अब मुझे बताओ, जब वोटिंग होगी, राज्यसभा नहीं चाह रहा है, लोकसभा चाह रहा है, किसकी सदस्य संख्या ज्यादा है? लोकसभा की। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से लोकसभा चाहता है वो विधेयक पारित करवाना चाहता है, तो वो विधेयक पारित हो जाता है। ये कब आता है? जब सरकार का राज्यसभा में तो बहुमत हो लेकिन लोकसभा में ना हो। सामान्य विधेयकों के संदर्भ में हालांकि हम ये कहते हैं दोनों ही सदन बराबर है, परंतु राज्यसभा सामान्य विधेयक पर अगर वो पारित नहीं करवाना चाहता है तो केवल 6 माह तक ही उस विधेयक को क्या कर सकता है? रोक सकता। मतलब तुलना करो लोकसभा राज्यसभा की, सामान्य विधेयक दोनों में पहले प्रस्तुत होगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। संविधान संशोधन दोनों किसमें पहले प्रस्तुत होगा? किसी में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु साधारण विधेयक को राज्यसभा न चाहते हुए भी 6 महीने के बाद संयुक्त बैठक, और जैसे लोकसभा चाहता है वैसे। मतलब मेरा समझाने का केवल ये मतलब है, सामान्य विधेयक पर किसकी पावर ज्यादा है? लोकसभा की। सदस्य संख्या क्या था? वापस आइए, कहाँ गया ये? संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा। ठीक है, अगर एक सदन में प्रस्तुत कर दिया, दूसरे सदन में गया। अब यहाँ पर एक और चीज मैं विशेष रूप से बताऊंगी, ये बहुमत या पारित कौन सा है, साधारण या विशेष, कुल सदस्यों के उपस्थित या मतदान करने वाले। इसमें भी आप लोग गलत करते हैं, तो इसको भी मैं, अभी तो इतना टाइम नहीं है, कल की इसको डिफाइन करूँगी, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करूँगी। संविधान संशोधन विधेयक पर एक सदन में हुआ, उसने पारित किया, दूसरे सदन में गया, उसने पारित कर भी सकता है और करने से मना भी कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक किस बहुमत से पारित होगा? उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत। क्या बोला मैंने? संविधान संशोधन विधेयक किस तरीके से पारित होगा? उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत। साधारण विधेयक कैसे पारित होगा? उपस्थित और मतदान करने वालों के सामान्य बहुमत। दूसरे सदन ने इसको पारित नहीं किया, इसमें किसी प्रकार का संशोधन कर दिया, तो वो विधेयक क्या ज्वाइंट सिटिंग होगी आर्टिकल 108 के तहत? नहीं। मतलब संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। किस पर है? सामान्य विधेयक पर है। मतलब पावर बराबर है किसकी? लोकसभा की और राज्यसभा की, और दोनों को कौन से बहुमत पर पारित कर?
विधेयक है, कोई भी विधेयक धन मनी बिल है या नहीं इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा। वित्त जो धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में पारित होगा कि राज्यसभा में? लोकसभा। लोकसभा इसको पारित, विचार विमर्श होगा, मतदान होगा, इसको पारित कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा इसको पारित कर देगा या पारित करने से मना भी कर सकता है, लेकिन उसकी समय सीमा कितनी है? 14 दिन। कितनी है बच्चों? 14 दिन। अगर नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि ये विधेयक राज्यसभा ने पारित कर दिया है, मतलब वापस आइए। साधारण विधेयक में दोनों सदनों में समान शक्ति प्राप्त है, लेकिन संयुक्त बैठक में लोकसभा पावरफुल। संविधान संशोधन विधेयक में दोनों सदन समान है, संयुक्त बैठक नहीं है, मतलब दोनों की पावर समान है। वित्त विधेयक में क्या है? दोनों सदन में प्रस्तुत होगा, लेकिन वित्त विधेयक में राज्यसभा को कोई पावर, 14 दिन की पावर प्राप्त है विधेयक को रोकने की, और पूरी की पूरी शक्ति किसकी है? लोकसभा। ठीक मैडम, आगे बताने के लिए संदर्भ हो गया है।